Veteran Indian forward SV Sunil announced his retirement from international hockey on Friday. The 32-year-old, who made his senior international debut in 2007, represented India during the 2012 London Olympics and won silver at the 2014 Commonwealth Games. He was also a part of the gold medal winning side at the 2014 Asian Games and the bronze medal winning team at the 2018 Asian Games. Earlier on Thursday, Olympic bronze medalists Rupinder Pal Singh and Birendra Lakhra also announced their retirement from international hockey. In a special chat with NNIS Sports, the 1975 World Cup winner and son of legendary Major Dhyan Chand, Ashok Kumar says, "These three, Rupinder Pal Singh, Birendra Lakhra and SV Sunil, will be remembered as examples." हाँ, ये तो वही थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि एक तो अच्छी सेवाएं दी हैं लोगों ने बहुत साल तक, सुनील जैसे हो गया, उपेंद्र हो गए, इनकी सेवाएं बहुत लंबी रही हैं हॉकी के लिए। और जहां तक वो एक बार ही चल रहा है मेरा ख्याल है जहां तक इनको कहीं, क्योंकि नेक्स्ट ओलंपिक तो अब 4 साल के बाद का है जी। और 4 साल के बाद का मतलब ये कि, और ये खेल तो 100% फिटनेस का खेल हो गया है आजकल हॉकी, तो मेरे लिहाज से तो ये वही एक बात आ रही है कि जो इन्होंने रिटायरमेंट लिया और अच्छा, एक अच्छा है, लेकिन इनका एक्सपीरियंस हम लोग हॉकी टीम बहुत इनका वो फील करेगी भारतीय टीम। रुपेंद्र का वाकई में एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए प्लेयर बहुत ही सुंदर उसने अपना खेल इस हॉकी के लिए दिया है, एक एग्जांपल के तौर पर वो खेल के गए, जबकि उनकी इंजरीज भी हुई हैं और घुटने की इंजरीज के बाद वापस खेलना बहुत मायने रखता है। और मैं तो काफी तारीफ करता हूँ इस इंसान की। बिल्कुल, बीरेंद्र लाखरा, उनका भी इंजरीज के बाद खेलना हॉकी जैसे खेल को हॉकी में और बहुत अच्छे तरीके से ओलंपिक में उन्होंने सहयोग किया, तो ये एग्जांपल के तौर पर ही याद रखे जाएंगे और याद रखना चाहिए हॉकी इंडिया को। इनके बेहतरीन गोल करने के तरीके रुपेंद्र पाल के, तो उसने किस किस मौके पर गोल किए हैं जब हमको जरूरत पड़ती है। एक होता ना कि 4 गोल हो गए तो 5वां कर दिया, एक इसने तब गोल किए हैं जब हम कहीं डाउन पड़े हुए हैं या हमको एक गोल की जरूरत है, उस वक्त के गोल जो है रुपेंद्र पाल के वो बहुत ही अहम गोल किए गए हैं इनके द्वारा। तो उनको इस ओलंपिक में जाना खेलना चाहिए था, हम खिला सकते थे हॉकी इंडिया, उनकी जो स्पीड है उस गजब की स्पीड के साथ उसका खेल का एक एक दहशत थी वो दूसरे फॉरवर्डों के अंदर, दूसरी टीमों के लिए एक कॉप था सुनील के नाम का। बहरहाल बैड लक कहूंगा मैं तो कि वो इस ओलंपिक में नहीं जा पाए, नहीं खेल पाए। वैसे वो तो फिर संन्यास लेना ही था इसके बाद, लेकिन उनके 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 करियर में ये ओलंपिक एक बहुत मायने रखता है।